नमस्ते, मैं सवाना शाबानाबिली एसोसिएशन का सृष्टिकर्ता और अधिकर्ता हूँ। मैं देहरादून दून यूनिवर्सिटी से पर्यावरण में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर चुका हूँ 2015 टू 2017 के बीच में। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता भयानक आलम बाजार से आई हूँ। मैं आप सभी के सामने एक लड़की का कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका सपना था गांव सजाने का और गांव में घूमने का और गांव का पर्यावरण में ही अपने आप को खो जाने का उसका मन इच्छा था। वो यही मन इच्छा उसका जो करियर का अलग सा ही एक मोड़ ले लेगा वो खुद ही नहीं जानती थी। लड़की का नाम है पिंकी। उसका नाना जी का गांव था पूर्व मेदिनीपुर मोयना गोजिना आड़ों के अरना। पिंकी हर साल 2 से 3 बार अपना नाना जी के गांव में घूमने जाती थी। पिंकी हर साल गर्म के छुट्टियां, दिवाली के छुट्टियां और माता बरामचंडी का वार्षिक पूजा में खुशियां मनाती थी। पिंकी ने नाना जी के गांव का याद को दिल दिमाग पे बसाए हुए पर्यावरण पे पढ़ाई करने के लिए ठान लिया और पिंकी ने विद्यासागर यूनिवर्सिटी मिदनापुर से MSc कंप्लीट किया। उसके बाद दून यूनिवर्सिटी देहरादून से उसने पर्यावरण प्रयुक्ति में अपना MTech डिग्री का पढ़ाई भी कंप्लीट किया 2015 से 2017 के बीच में। पिंकी अपनी शोध कार्य को वास्तविक रूप देने के लिए उसने 4 साल कठोर तपस्या किया। तेहरी गढ़वाल सकलाना पटिया की गांव के बीच रह के और गांव वाले के साथ मिलकर उसने अपना शोध कार्य को अंजाम दिया। अपना ही घर पे उसने टाइम पे उसने खुद ही का घर को अपना एक अलग सा रूप दान दिया जिसको कहते हैं विली विला। पिंकी ने तेरी गढ़वाल में विली विला का डेमो प्रदर्शन किया है। विली विलेज बनाने के लिए पिंकी का विली विला बनाने का मूल उद्देश्य है ये कि परंपरागत पर्यावरण पैकेज टेक्निक के माध्यम से हर गांव को विली विलेज बनाया जाए। पिंकी ने पौधे के माध्यम से गंदे पानी को साफ करने के लिए एक सेटअप डिजाइन किया है। पिंकी ने सूखा टॉयलेट को सूखा रखते हुए पर्याप्त पानी उपयोग करने का सेटअप भी डिजाइन किया है। पिंकी ने और भी पर्यावरण तकनीक से अपना पैकेजिंग डिजाइन किया है जो आप सभी को विली विला में आने के बाद ही वो प्रदर्शन दर्शित होगा जो तेहरी गढ़वाल पर मरोड़ा विलेज में अवस्थित है। एशिया महादेश में सबसे परिच्छन गांव है मालिंगलोंग। भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी में स्थित है। भारत की मुंबई राज्य की वाड़ा में गाय को संसाधन मानकर गोवर्धन इको विलेज संरचन हो रखा है। मैं सवाना शाबानाबिली एसोसिएशन के तरफ से विनम्रता पूर्वक आप सभी भारतवासियों को आमंत्रित कर रही हूँ शाबानाबिली एसोसिएशन के साथ जुड़कर नए नए संभावना प्रस्तुत करने के लिए। शाबानाबिली एसोसिएशन का गांव संरचना की शोध कार्य के साथ आप लोग जुड़े भारतीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एग्जीबिशन सेमिनार वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए हमसे जुड़े भारतीय गाँव की जनगण हमसे जुड़े अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए और SHG संगठन बनाएं जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति की सुधार हो सकती है। परंपरागत पर्यावरण तकनीक का पैकेज विक्रय की जरिए और पर्यटन स्थल संरचना की जरिए। शाबानाबिली एसोसिएशन के तरफ से विनम्रता पूर्वक उत्तराखंड राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्रार्थना है कि आप सभी उच्च ज्ञान संपन्न व्यक्तित्व हमसे जुड़े और सहायता के लिए हाथ बढ़ाए और परंपरागत पर्यावरण तकनीक को मूल स्रोत में लाने के लिए हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें 9831403571। ईमेल है shabanavilliassociation@gmail.com। हम लोग का फेसबुक ID है शाबाना इकोपोली नाम से और यूट्यूब चैनल है शाबानाबिली नाम से। मैं शाबाना खातून फाउंडर एंड CEO ऑफ शाबानाबिली एसोसिएशन इस शुभ काम का
संपूर्ण श्रेय मैं मेरे माताजी सुमिता बेगम एवं मेरा धर्म माताजी कुसुम अरुणाचल मैम की नाम से समर्पित कर रही हूँ। अभी मैं जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, ये दोनों माताजी के कृपा से मैं हूँ। मैं यहाँ उत्तराखंड में मेरा धर्म माताजी कुसुम अरुणाचल मैम जी के सपोर्ट से एक बेटी का प्यार से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनसे उनको अपने दिल से जितना भी उनसे हो पाया उन्होंने मुझे सपोर्ट किया अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई के लिए और खाने पीने के लिए भी जितना से उनको मुझसे सहायता उनसे हो पाया उन्होंने वो सब चीज़ मुझे देकर सपोर्ट किया। एक धर्म माता था फर्ज उन्होंने फिर भी निभाया जिसका कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकती। उनका आशीर्वाद मेरे सर पे हर वक्त रहे ये मेरा गुजारिश है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को मैं थैंक्स करती हूँ और उत्तराखंड पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड के वासियों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और सेवा गांव हटवाल गांव और मरड़ा वासी को धन्यवाद।